नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नायक हूँ और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की खबर में। आज बात मध्य प्रदेश जनजातीय लोक कला राज्य संग्रहालय आदिवत के लोकार्पण की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को खजुराहो में मध्य प्रदेश जनजाति एवं लोक कला राज्य संग्रहालय आदिवर्त का लोकार्पण किया है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान आदिवासी रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने ढोल बजाकर डांस भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, मंत्री ओम प्रकाश सकलेजा, सांसद विष्णुदत्त शर्मा सहित अनेक विशिष्टजन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने आदिवर्त गांव के लोकार्पण पट्टिका का भी अनावरण किया। यहां उन्होंने लिखनदरा प्रदर्शनी संग्रहालय और संगीत नृत्य दीर्घा का अवलोकन भी किया। जनजातीय वर्ग के आवासों में पहुंचकर उनके रहन सहन और संस्कृति का अवलोकन भी किया। उन्होंने चित्रकला दीर्घा का अवलोकन भी किया, जिसमें जनजातीय वर्ग की लोक कला को चित्रांकन के जरिए प्रदर्शित किया गया है। सीएम श्री चौहान ने अंगरिया जनजाति द्वारा लोहे से पत्थर बनाने की प्रक्रिया को भी देखा। मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथियों ने सांस्कृतिक गांव आदिवत की सराहना भी की है। जनजाति एवं लोक कला के संग्रहालय में प्रदेश की प्रमुख जनजातियां क्रमशः गौंड, बेगा, भील, भारिया, कोरकू, कोल एवं सहरिया के साथ साथ 5 सांस्कृतिक जनपदों क्रमशः बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, निवाड़ एवं चंबल जनपद के प्रतिनिधित्व आवासों की जन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर प्रदर्शित किया जा रहा है। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सारी दुनिया का गम दूर करते हैं। कला संस्कृति को जीवित रखने वाले मंच को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे कलाकार भांजे भांजियों को भी मैं प्रणाम करता हूं। यह अपनी कला है, मध्य प्रदेश की परंपरा है। अलग अलग लोक नृत्य ये हमारे जीवन को जीवित रखता है और आगे भी बढ़ाता है। आदिवर्त अद्भुत बना हुआ है। 2 साल पहले हमने तय किया था कि यहाँ इस तरह का संग्रहालय बनाया जाए और ये बिल्कुल वैसा ही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर कलाकार जिन्होंने मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है, उनकी वित्तीय सहायता राशि 800 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये की जाएगी। कलाकार के निधन पर उनके परिवार को भी 3,500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। आदिवर्त का उद्घाटन होना था और उसी समय G20 की यह बैठक, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मध्य प्रदेश को सौभाग्य दिया, खजुराहो को सौभाग्य दिया। लेकिन मैंने कहा कि भाई आदिवर्त का उद्घाटन होगा तो मैं जितने अपने कलाकार हैं, लोक कलाकार जो पूरे प्रदेश में कला का प्रदर्शन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उन सबको बुलाऊंगा। कलाकारों की पंचायत होगी, पंचायत तो ये अपनी कलाकारों की पंचायत है। बताओ खजुराहो आके अच्छा लगा कि नहीं लगा? अरे चुपचाप कहां को बैठे, बोलो ना। और अभी तो ऊपर से बोल रहा हूं, बाद में नीचे भी आपके साथ ही बैठूंगा। जोर से बोलो ना। ओ अपन तो सारी दुनिया का गम दूर करने वाले लोग हैं। ये कला संस्कृति नृत्य परंपरा, इसको जीवित रखने के लिए मैं मंच को भी प्रणाम करता हूं और नीचे मेरे कलाकार भांजे भांजियों को भी प्रणाम करता हूं। जहां जाते हैं अपनी मुलाकात होती है, लेकिन फुटकर होती है, इकट्ठे नहीं मिलते कभी। तो मैंने भी तय किया कि आज इकट्ठे मिला जाए। ये अपनी कला, मध्य प्रदेश की परंपरा, अलग अलग लोक नृत्य, ये सब हमको जीवित भी रखना है और इनको आगे भी बढ़ाना है। रखना कि नहीं रखना, जिंदा रखना है। और इसलिए मैंने कहा कलाकार पंचायत होगी। आदिवर्त अद्भुत बना है। 2 साल पहले हमने तय किया था कि यहां एक ऐसा संग्रहालय बना जाएगा मध्य प्रदेश के जनजाति समुदाय की कला संस्कृति, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, तीज त्योहार,
देवी देवता प्रथा परंपराएं भाषा बोलियां नृत्य संगीत सब कुछ अद्भुत है। बोलो अद्भुत है कि नहीं? अरे अद्भुत है कि नहीं? सब कुछ अद्भुत है। इस कला को हमें पूरी दुनिया को दिखाना है, इसलिए खजुराहो चुना है, क्योंकि खजुराहो में पूरी दुनिया आती है। अब पूरी दुनिया आएगी और बिना आदिवर्त को देखे नहीं जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति का दुनिया भर में प्रकटीकरण होगा। गौंड बैगा भील भारिया कोरकू कौल सहरिया ये अलग अलग हमारी जनजातियां, इनका रहन सहन और वो भी साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, उसको प्रदर्शित करने का काम किया है। और इसलिए मुझे लगा कि आज आपके बिना अगर उद्घाटन कर दूंगा तो ठीक नहीं होगा, ये आपके साथ ही होना चाहिए। जुदैया भाई को इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, घोषणा हो गई है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, हमारे कलाकारों को सम्मान देने का अगर काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमारे जितने कलाकार ये अपनी कला का जादू बिखेरते रहे, ये लगातार अलग अलग जगह प्रदर्शन करते रहेंगे, इसलिए संस्कृति विभाग साल भर कार्यक्रमों का आयोजन करता है ताकि आपकी कला देख भी सके लोग और इसके साथ साथ रोजी रोटी भी मिल सके। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी घंटी माला। कलाकार कला के साधक हैं, इन कला के साथ जिंदगी की गाड़ी भी चलनी चाहिए। हम नहीं कहते कि दौलत का कूद भंडार हो, क्योंकि जिनके पास दौलत का कूद भंडार है उनको मैंने नींद आते नहीं देखा, रात में सोने के लिए नींद की गोलियां खाते हैं। लेकिन हमारे कलाकार तो धरती के बिछौने पे आसमान की चद्दर ओढ़ के नाचते गाते और मस्त नींद लेते हैं। दोस्तों, आदिवर्त में मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति और लोक कला की झलकियां समेटी गई हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की जनजातियों की विशेषताओं को सहेजा गया है। इन जनजातियों के शिल्पकारों की देखरेख में ही आदिवर्त का निर्माण किया गया है। उनमें मकान, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजें, प्रतीक हथियार, देवी देवता और पूजा पाठ करने के तरीकों को दर्शाया गया है। मकानों का निर्माण मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और लोहे से किया गया है। वहीं दूसरी चीजें राज्य के अलग अलग हिस्सों से जुटाई गई हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।